नमस्कार बच्चों, आज हम आठवीं कक्षा की हिंदी भाषा की पाठ्य पुस्तक अभ्यास सागर के पाठ दो असल धन को करेंगे। ये पाठ तत्सम और तद्भव से संबंधित है, तो आइए बच्चों शुरू करते हैं। हमारा पहला प्रश्न है, नीचे दिए गए वाक्यों को ध्यान से पढ़िए। यहाँ पर कुछ वाक्य दिए गए हैं। हमारा पहला वाक्य है, उसने दुख और आश्चर्य से पूछा, मेरा दोष क्या है। दूसरा वाक्य, मनुष्य अपने कर्मों से महान बनता है। तीसरा, दरबारियों की आंखों में चमक आ गई। चौथा वाक्य, ईरान के किसी गांव में एक चरवाहा रहता था। हमारा पांचवा वाक्य है, दरबारी शाह के कान भरने लगे। तो आप देखिए, अब इन वाक्यों में मोटे काले शब्दों जैसे कि ये दुख, आश्चर्य, दोष, कर्मों, आंखों, गांव और कान, इन शब्दों को दी गई श्रेणियों में, इस श्रेणी में हमें विभाजित करके लिखना है। ये तत्सम में और तद्भव में, इनमें से जो शब्द तत्सम है उन्हें तत्सम की श्रेणी में लिखेंगे और जो तद्भव है उन्हें तद्भव की श्रेणी में। तत्सम का अर्थ क्या होता है? उसके समान, यानी कि जो शब्द संस्कृत भाषा से ज्यों के त्यों ले लिए गए हैं उन्हें हम क्या कहेंगे? तत्सम शब्द। उनमें कोई फेर बदल नहीं किया गया, जैसे पुष्प, विद्या, पुस्तक, घृत आदि। और तद्भव क्या होते हैं? तद्भव वे शब्द होते हैं, यानी तद्भव का अर्थ है उससे उत्पन्न, अर्थात जो शब्द संस्कृत, पाली, प्राकृत अभ्रंश के दौर से गुजरकर समय के साथ परिवर्तित होकर हिंदी में प्रचलित है वे तद्भव कहलाते हैं। कहने का अर्थ है कि जो शब्द संस्कृत, पाली, प्राकृत और अभ्रंश के दौर से गुजरकर और समय के साथ परिवर्तन हो गया, उसमें परिवर्तित होकर वह अब हिंदी में प्रचलित है, उसे ही हम तद्भव कहते हैं। जैसे सप्त से सात बन गया, सर्प से सांप बन गया, घृत से घी बन गया, ठीक है। तो ये तद्भव शब्द में आएंगे, जैसे घृत से घी, घी जो है वो तद्भव शब्द है और घृत उसका तत्सम है, ठीक है। तो अब हम ये देखते हैं दुख। ये अगर दुख में यहाँ पर विसर्ग दिया होता, अगर यहाँ पर इन दोनों के बीच में ऐसे होता विसर्ग, तो तब हम इसे तत्सम में लिखते, ठीक है। लेकिन ये सिंपल दिया गया है, इसमें विसर्ग नहीं है, ठीक है। तो यहाँ पर ये तद्भव रूप आएगा इसका। तो यहाँ पर हम दुख को यहाँ लिख लेते हैं तद्भव के कॉलम में। अगला है आश्चर्य। आश्चर्य जो है वह तत्सम शब्द है। दोष, दोष जो है वह भी तत्सम शब्द है। और कर्मों, कर्म यह भी तत्सम, कर्म से काम उसका तद्भव रूप है, ठीक है, कर्म। आगे आंखों, आंख जो है वह एक तद्भव शब्द है, आंख। गांव, गांव भी तद्भव शब्द है, ग्राम से गांव, ठीक है। कान, कान जो है वह भी एक तद्भव शब्द है, ठीक है। तो यहाँ पर इन आश्चर्य, दोष और कर्म ये तत्सम शब्द हैं और तद्भव हैं दुख, आंख, गांव, कान, ठीक है। आगे बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। हमारा दूसरा प्रश्न है, निम्नलिखित शब्द समूहों में तत्सम शब्दों पर घेरा लगाइए। ये जो शब्द समूह दिए गए हैं इनमें से हमें तत्सम शब्दों पर घेरा लगाना है। तो हम पहले उसमें देखते हैं, मयूर, मयूर जो है एक
तत्सम शब्द है, तो हम इस पर घेरा लगा लेंगे, मयूर का तद्भव है मोर। ठीक है, मैना बुलबुल कौवा ये तत्सम में नहीं आएंगे, रात ये भी नहीं, जीवा ये एक तत्सम शब्द है, जीवा से जीव। ठीक है, आग चांद काम पैर हाथ सूर्य, सूर्य भी एक तत्सम शब्द है। तो ये मयूर जीवा और सूर्य ये तत्सम में आएंगे। ठीक है, अगले क्वेश्चन की ओर, अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। निम्नलिखित शब्द समूहों में तद्भव शब्दों पर घेरा लगाइए। अब हमें तद्भव शब्दों पर घेरा लगाना है। ठीक है, तो देखते हैं, काट ये जो है एक तद्भव शब्द है। आगे देखते हैं, ये स्थान गुण दोष ये सब संस्कृत के ही शब्द हैं तत्सम में। दुख ये हमने पढ़ा था अभी, ये तद्भव रूप है, अगर विसर्ग दिया होता तो वो तत्सम में आता, लेकिन विसर्ग नहीं है इसमें तो ये तद्भव में आएगा। दही यह भी एक तद्भव शब्द है। दधी इसका तत्सम होता है दधी, द धी धी द धी दधी। ठीक है, आगे देखते हैं, आश्चर्य बुद्धिमान ये भी संस्कृत के ही शब्द है। क्रोध मोर, मोर जो है वह तद्भव में आएगा, इसका जो तत्सम होता है वो होता है मयूर, मयूर का मोर। ठीक है, आगे बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। खंड क के तत्सम शब्दों का मिलान खंड ख में दिए गए उनके तद्भव रूपों से कीजिए। ये खंड क है इसमें तत्सम शब्द दिए गए हैं, और ये खंड ख है इसमें तद्भव शब्द दिए गए हैं, तो हमें इनको सही, इन तत्सम शब्दों को उनके सही तद्भव से मिलान करना है। ठीक है, अश्रु, अश्रु का होता है आंसू, अश्रु तत्सम है, इसका तद्भव आंसू, तो हम इसको इससे मैच कर देंगे, मिलान कर देंगे। ठीक है, क्षेत्र, क्षेत्र एक तत्सम शब्द है, इसका तद्भव होगा क्षेत्र का खेत। ठीक है, निद्रा, निद्रा एक तत्सम शब्द है, इसका तद्भव क्या होगा नींद। आगे बढ़ते हैं, ये दो और है। जीवा एक तत्सम शब्द है, इसका तद्भव होगा जीवा का जीव। ठीक है, अक्षी, अक्षी का तद्भव आंख। ठीक है, तो ये तत्सम थे और ये इनके तद्भव रूप हैं। ठीक है, सही मिलान करना था हमें। अगला प्रश्न, निम्नलिखित वाक्यों को उचित शब्दों द्वारा पूरा कीजिए। हमारा पहला वाक्य है, मेरे पांव में डैश चुभ गया कंटक या कांटा। तो यहां पर आएगा मेरे पांव में, जो हमें उचित लगता है, जो इस वाक्य को पूरा करने के लिए सही है, कांटा, मेरे पांव में कांटा चुभ गया। पेड़ के डैश गिर गए पत्र पत्ते, पेड़ के पत्र गिर गए, पेड़ के पत्ते गिर गए, तो पत्ते यहां पर हमें उचित लग रहा है, तो हम यहां पर पत्ते लिखेंगे। वे कल डैश प्रवेश करेंगे, घर प्रवेश करेंगे या गृह प्रवेश करेंगे, तो यहां पर आएगा गृह, गृह प्रवेश। ठीक है, आपने सुना भी होगा गृह प्रवेश। रावण के डैश सिर थे दस या दश, दस। ठीक है, भगवान को डैश स्नान करवाओ दूध या दुग्ध, तो यहां पर आएगा भगवान को दुग्ध स्नान
करवाओ। ठीक है, आगे बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। हमारा अगला प्रश्न है, नीचे दिए चित्रों के सामने उनके नाम के तत्सम और तद्भव रूप लिखिए। ये चित्र दिए गए हैं और यहाँ पर तत्सम रूप लिखना है हमने इस चित्र का, और यहाँ पर तद्भव। ठीक है, तो ये पहला चित्र है नाग का। आपको समझाने के लिए पूरी कोशिश की गई है कि अच्छे से चित्र बनाया जाए। तो इसका तत्सम होगा नासिका, ये नाक की, नाक का चित्र है। तो इसका तत्सम रूप है नासिका और तद्भव है नाक। ठीक है, नासिका से नाक। और ये है सूर्य, सूर्य, सूर्य। और इसका तद्भव रूप है सूरज। ठीक है, ये है तत्सम रूप इसका पत्र, तत्सम पत्र और तद्भव पत्ता। आगे बढ़ते हैं, इसका तत्सम है आम्र, आम्र और तद्भव रूप है आम। ये है पक्षी, पक्षी तत्सम रूप, और पंछी उसका तद्भव। ठीक है, तो ये नासिका से नाक जो हम आज प्रयोग करते हैं, सूर्य सूरज, पत्र पत्ता, आम्र आम, पक्षी पंछी। तो ये हमारे तत्सम और तद्भव से संबंधित प्रश्न थे। आशा करती हूँ आपको अच्छे से समझ में आ गए होंगे। इस पाठ के आगे के प्रश्न हम अगले भाग में करेंगे। तो मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार।